गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 3 स्टेटस मेकर ऐप लेकर आया हूं। इन तीनों ऐप में आपको काफी अलग अलग प्रोफेशनल टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसे यूज करके आप अपने वीडियोज को वन क्लिक में बना सकते हो। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस 3 नंबर पे मैंने रखा है एम्बिट ऐप को। तो सिंपली आपको इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करते हो तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है लेट स्टार्टेड का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके सामने एक एड शो होगा, सिंपली आपको इस एड को वॉच करना है और कट करना है। जैसे आप एड को कट करते हो यहाँ पे आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन में यहाँ पे कितने सारे न्यू टेम्पलेट्स एड किए गए हैं और सभी टेम्पलेट आप देख सकते हो कितना यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है। और आपको यहाँ पे ऊपर की साइड मिल जाता है कैटेगरी, ये ट्रेंडिंग कैटेगरी में सिलेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे कैटेगरी मिल जाते हैं जिसे आप सिलेक्ट करके उसमें से आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको एटीट्यूड वीडियो बनाने हैं तो सिंपली आपको एटीट्यूड कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और आपके सामने यहाँ पे एटीट्यूड से रिलेटेड काफी सारे यहाँ पे टेम्पलेट शो हो जाएंगे। अब जिस भी टेम्पलेट को यूज करना है सिंपली आपको उस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और जैसे उस पे क्लिक करते हो यह टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है और आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है यूज का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप यूज पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फिर से इंटरफेस आ जाता है। अब सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड फोटो का, सिंपली आपको इस ऐड फोटो ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपका जो गैलरी है वे यहाँ पे ओपन हो जाता है और आपके गैलरी के यहाँ पे फोटो भी शो होने लगते हैं। अब सिंपली आपको अपने गैलरी से अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसमें फोटो ऐड कर लेते हो यहाँ पे टिक का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐड शो होता है, सिंपली आपको इस ऐड को वॉच कर लेना है, उसके बाद आपको इसे कट करना है। और जैसे आप ऐड कट करते हो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है एडजस्ट मैनुअल का, सिंपली यहाँ पे आपको अपने फोटो को एडजस्ट कर लेना है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो। फोटो क्रॉप कर लेने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ मिल जाता है टिक का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपका यहाँ पे दूसरा फोटो शो हो जाता है, फिर आपको इसे भी एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद आपको टिक पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको अपने सभी फोटोज को एडजस्ट कर लेना है। जैसे आप सभी फोटोज को एडजस्ट कर लेते हो यहाँ पे जो आपका वीडियो है वे बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके वीडियो पे इस एप्लीकेशन का वाटरमार्क शो हो रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यस रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करना है। अब फिर से यहाँ पे आपके सामने एक ऐड शो होगा, सिंपली आपको इस ऐड को वॉच करना है, उसके बाद आपको इसे कट करना है। गाइस जैसे आप ऐड वॉच करके कट करते हो आपके वीडियो से यहाँ पे वाटरमार्क रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हो वाटरमार्क रिमूव हो गया है और भी नीचे की तरफ यहाँ पे आपको काफी सारे एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, तो इसे आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इस वीडियो को अपने गैलरी में एक्सपोर्ट करने के लिए नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जिस भी क्वालिटी में अपने वीडियोस को सेव करना है सिंपली आपको उस क्वालिटी पे क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज चल रहा है। तो इस प्रकार से आप इस एम्बिट एप्लीकेशन में किसी भी टेम्पलेट को यूज करके अपने वीडियोस को वन क्लिक में बना सकते हो। गाइस 2 नंबर पे मैंने रखा है वीड स्टेटस मेकर ऐप को। तो इस एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन करना है और जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे टेम्पलेट शो हो रहा है और ऊपर की साइड यहाँ पे आपको मिल जाता है कैटेगरी। आप देख सकते हो यहाँ पे हॉट कैटेगरी में सिलेक्ट है, इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाता है न्यू का। तो जो भी टेम्पलेट इस एप्लीकेशन में न्यू ऐड किया जाएगा एक टेम्पलेट आपको सबसे पहले इस न्यू कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी सारा कैटेगरी मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे रील्स का कैटेगरी है, तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। अब जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर रहे हो और उसमें आपको टेम्पलेट को यूज करना है अपने वीडियो को बनाने के लिए, तो सिंपली आपको उस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। और जैसे आप उस टेम्पलेट पे क्लिक करते हो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है यूज का, सिंपली आपको इस यूज ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप यूज ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेता है और आपका गैलरी ओपन हो जाता है और आपके गैलरी के फोटो भी शो होने लगते हैं। अब सिंपली आपको अपने गैलरी से अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेते हैं। गाइस जैसे आप फोटो ऐड कर लेते हो यहाँ पे ओके का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, सिंपली आपको ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेता है और आपका जो फोटो है वो इस टेम्पलेट में ऐड हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो पे इस एप्लीकेशन का वाटर मार्क दिख रहा है, सिंपली आपको इस वाटर मार्क पे जो यहाँ पे कट का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वॉच वीडियो पे क्लिक करना है और आपके सामने एक ऐड शो होगा, सिंपली आपको इस ऐड को फुल वॉच करना है, उसके बाद आपको इसे कट करना है। गाइस जैसे आप ऐड कट करते हो आपके वीडियो से यहाँ पे वाटर मार्क रिमूव हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो यहाँ पे प्ले हो गया है। पहले यहाँ पे ब्लैक ही शो कर रहा था, तो जैसे आप यहाँ पे वाटर मार्क को रिमूव कर दोगे आपका वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। अब आप जिस भी फोटो को इस टेम्पलेट में सिलेक्ट किए हो उसे आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको उस
फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन शो हो जाता है, एक चेंज का और दूसरा क्रॉप का। तो चेंज पे क्लिक करके इस फोटो के जगह पे दूसरे फोटो को ऐड कर सकते हो और क्रॉप पे क्लिक करके आप अपने फोटो को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो। अब सिंपली आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर की साइड एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने 5 सेकंड का एड शो होगा। सिंपली आपको इस एड को वॉच करना है और आपको यहाँ पे कट करना है और आपका जो वीडियो है वे यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज चल रहा है। तो इस प्रकार से आप इस वीड स्टेटस एप्लीकेशन में किसी भी टेम्पलेट को यूज करके अपने वीडियोज को बना सकते हो। गाइस एक नंबर पे मैंने रखा है lyrica.ly एप्लीकेशन को, तो इस एप्लीकेशन को सिंपली आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल फोन में, उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। गाइस जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की साइड यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट और यहाँ पे टेम्पलेट यहाँ पे शो कर रहा है और आपको सबसे पहले वही टेम्पलेट देखने को मिलेगा जो टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जय श्री राम का टेम्पलेट फर्स्ट नंबर पे शो कर रहा है। अब ऊपर की साइड यहाँ पे आपको मिल जाता है कैटेगरी, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लोर कैटेगरी में सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है फॉर यू का कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे आपको और भी कैटेगरी मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइस नीचे की तरफ आप देख सकते हो ये होम में सिलेक्ट है, सिंपली आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे एक एड शो होगा, सिंपली आपको इस एड को वॉच करना है और आपको इसे कट करना है। जैसे आप इस एड को कट करोगे आपके सामने यहाँ पे काफी सारा टेम्पलेट शो हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ट्रेंडिंग इफेक्ट का टेम्पलेट शो कर रहा है और इसमें यहाँ पे काफी सारा टेम्पलेट शो हो रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्रीमियम टेम्पलेट है। तो यहाँ से आप किसी भी टेम्पलेट को यूज करके अपना भी फोटो इस प्रकार से बना सकते हो वन क्लिक में। और भी नीचे यहाँ पे आपको काफी सारा कैटेगरी मिल जाता है आप देख सकते हो। तो इस एप्लीकेशन में गाइस आपको यहाँ पे फोटो बनाने का भी कैटेगरी मिल जाता है जिसे यूज करके आप अपने फोटोज को वन क्लिक में काफी प्रोफेशनल बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वीडियो बनाना है तो सिंपली आपको होम कैटेगरी को ही सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे आपको वीडियो टेम्पलेट मिल जाएगा, यहाँ से आप किसी भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से आप टेम्पलेट को यूज करके अपने वीडियो कैसे बना सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, जैसे टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ्री अनलॉक का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे एक एड शो होता है 30 सेकंड का, सिंपली आपको इसे फुल वॉच करना है, उसके बाद आपको इसे कट करना है। जैसे आप एड कट करते हो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है मैक वीडियो का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यह टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है और आप देख सकते हो यह टेम्पलेट डाउनलोड हो गया और आपके सामने यहाँ पे ऊपर की साइड एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट इमेज का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपका गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब सिंपली आपको अपने गैलरी से अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फोटो सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन हो जाता है, एक ऑटो क्रॉप का और दूसरा मैनुअल क्रॉप का। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉप करना चाहते हो तो सिंपली आपको मैनुअल क्रॉप पे क्लिक करना है, अगर आप यहाँ पे ऑटो क्रॉप करना चाहते हो तो सिंपली आपको ऑटो क्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेम्पलेट में मेरा यहाँ पे फोटो एड हो गया है। अब सिंपली आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक एड शो होगा, सिंपली आपको इस एड को फुल वॉच करना है और इसे आपको कट करना है। तो जैसे आप एड कट करते हो आपका वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन में भी अपने वीडियोस को वन क्लिक में बना सकते हो और इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे फोटो बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस ये था आज का top 3 स्टेटस वीडियो मेकर ऐप जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।